भीनी भीनी खुशबू के बीच फूलों से नहाए गोरखनाथ मंदिर का कोना कोना पुलकित था। मंदिर प्रबंधन से लेकर बड़ी संख्या में जुटे समर्थक और श्रद्धालुजन मुदित थे। चहुं ओर उल्लास और उत्साह का ज्वार, ऐसा ही उत्सवी वातावरण दिखा बतौर मुख्यमंत्री अपनी पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत दिलाकर सत्ता वापसी को लेकर प्रदेश में 37 साल से जारी मिथक को तोड़ इतिहास रचने वाले योगी आदित्यनाथ के स्वागत में विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद गुरुवार की दोपहर सीएम योगी पहली बार उस मठ पधारे जिसके वह पीठाधीश्वर भी हैं। गोरक्षपीठ परिसर में प्रवेश करते ही हर तरफ भावनाएं उफान पर थीं। मंदित मुस्कान के बीच योगी के नेत्र उनकी भावुकता को छिपा नहीं पा रहे थे, तो जनसमूह की भावनाएं योगी योगी जय श्री राम और हर हर महादेव के गगनचुंबी नारों में प्रकट हो रही थी। सीएम योगी के स्वागत में गोरक्षपीठ के चप्पे चप्पे को सुगंधित फूलों से सजाया गया था। अपने महाराज जी के स्वागत को लोग पलक पावड़े बिछाए हुए थे। विशेष अवसरों पर ही खोले जाने वाला मंदिर का पूर्व मुखी मुख्य प्रवेश द्वार भी आज न सिर्फ खोल दिया गया था, बल्कि यहां सजाई रंगोली मन मोह ले रही थी। अपहरण करीब 3 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काफिला परिसर में जैसे ही प्रवेश किया, उनके समर्थन में नारे गूंजने लगे। मंदिर परिसर में प्रवेश करने के बाद वाहन से उतरकर वह सीधे गुरु गोरक्षनाथ जी की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे, विधि विधान से पूजा अर्चना कर उनका आशीर्वाद लिया और प्रदेशवासियों के मंगल की कामना की। इसके बाद उन्होंने अपने दादा गुरु ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ तथा गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर जाकर मत्था टेका और पूजन अर्चन कर महंत द्वय का आशीर्वाद लिया। धर्म और राजनीति दोनों माध्यमों से लोक कल्याण का पाठ पढ़ाने वाले अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ जी की प्रतिमा के समक्ष सीएम योगी की सजल आंखें आज के दिन विशेष को लेकर उनके भावों की अनकही इबारत लिख रही थी। दूर रहिए दूर।
महादेव।